Now, after discussing the डायरेक्ट मेथड, नाउ वी आर मूविंग टू द एज्यूमिंग मेथड. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. अगर आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया, एज्यूमिंग मेथड में कुछ भी नहीं है. बोल दिया कुछ भी नहीं है ना. आ जाओ, एज्यूमिंग मेथड कुछ नहीं करना. ये जो एक्स है ना, जितने अपन लोगों के पास एक्स है उसको डीएक्स लिख दो, और जितने वाई है वो डीवाई लिख दो. मतलब यहां एक्स था, मैंने डीएक्स लिख दिया, वाई को क्या लिख दिया, डीवाई. सिग्मा डीएक्स सिग्मा डीवाई एन सिग्मा डीएक्स स्क्वायर सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर डी वाई सिग्मा डी वाई. अब ये है क्या डीएक्स और डी वाई, ध्यान से समझो. सपोज आपके पास एक सीरीज है एक्स और वाई, 68, 62, 63, 65, 69. यहां पर है 81, 87, 92, 93, 85. ठीक है, मैंने बोला आपको इसमें कोरिलेशन निकालना है. देखो डायरेक्ट मेथड से करोगे तो प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स है, इसके स्क्वायर जब आप करोगे तो बहुत टेक्निकल होते जाएंगे. कंप्यूटेशन जो है इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन वो टेक्निकल होती जाएगी. तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर आप एज्यूम मीन ले लो. सपोज मैंने क्वेश्चन में ही दे दिया, हो सकता है क्वेश्चन में भी दे दे आपको, टेक एज्यूम मीन ऑफ एक्स एज 60 एंड एज्यूम मीन ऑफ वाई एज 80. हमें एक्स का एज्यूम मीन लेके चलना है 60 और वाई का एज्यूम मीन क्या लेके चलना है 80. ये मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया. हो सकता है क्वेश्चन में नहीं भी गिवन, आप कोई भी नंबर आपने आपसे, अगर आपको लगता है कि नंबर्स बहुत बड़े हैं, 1000 है, 1100 है, 1500 ऐसे नंबर है, कोई भी आप अपने तरफ से एज्यूम मीन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब करना क्या है, देखो डीएक्स का मतलब क्या होता है, जो भी आपने एज्यूम मीन लिया है, क्या लिया यहां पर मैंने 60, आप पूरी सीरीज में से 60 माइनस कर दो. पूरी सीरीज में से आपको क्या करना है, 60 माइनस कर देना है. और जब डीवाई की बात आती है तो डीवाई का मतलब क्या है कि पूरी सीरीज में से क्या लिया एज्यूम मीन 80, तो y की पूरी सीरीज में से क्या माइनस कर दो 80. क्या बोला मैंने, dx का मतलब क्या है, dx सिंपली मीन्स कि x में से जो भी एज्यूम मीन आपने लिया है वो क्या कर देना है माइनस. और dy का मतलब क्या है, y में जो आपने एज्यूम मीन लिया, जो आपका मन करे, क्वेश्चन में गिवन है बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है जो मन में आए ले लो, आपके ऊपर पूरी छूट है. नाउ x माइनस 60, तो 68 में से 60 गया 8, 62 में से 60 गया 6, 63 में से 60 गया 3, 65 में से 60 गया 5, 69 में से 60 गया 9. डी वाई, वाई 81 है, 81 में से 80 गया 1, 87 में से 80 गया 7, 92 में से 80 गया 12, 93 में से 80 गया 13, 85 में से 80 गया 5. ठीक है, तो आपने dx निकाल लिया और dy निकाल लिया. अब आपको क्या करना है, वही सारी चीजें, dx का स्क्वायर क्या निकालना है, सबसे पहले dx का स्क्वायर. थोड़ा मैं यहां पर दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, मिल ना जाए दोनों भाई बहन आपस में. मैंने अब क्या क्या निकालना है बताओ, dx का स्क्वायर, फिर क्या निकालना है dy का स्क्वायर, और फिर क्या निकालना है मुझे डी एक्स डी वाई. ये तीन चीजें अब मुझे एक एक करके कंप्यूट करनी है. आओ जरा कंप्यूटेशन देखते हैं. डीएक्स आ गया, इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81. तो ये डीएक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा. फिर डी वाई स्क्वायर करो, क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49, 12 का 144, 13 का 169, 5 का 25. तो ये क्या आ गया, डी वाई स्क्वायर. डी एक्स इंटू डी वाई, 8 वन जा 8, 6 7 जा 42, 12 3 जा 36, 13 5 जा 65, 9 5 जा 45. ये क्या आ गया, डी एक्स डी वाई. अब इनका भी सम कर लो यहां पर. चलो अब सबको जोड़ो फटाफट, 8 और 6 14, 17 22 और 9 31, 1 और 7 8 12, 8 20,
33, 38। चलो अब ये बड़े बड़े आने, इनके लिए मैं अपने यंत्र का प्रयोग करता हूं। 64 + 36 + 9 + 25 + 81 ये आ गया 215। डी वाई स्क्वायर 1 + 49 + 144 + 169 + 25 कितना 388। dxdy 8 + 42 + 36 + 65 + 45 कितना आ गया 196। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपने निकाली, नाउ पुट द वैल्यूज। n देखो कितना है 1 2 3 4 5 है 5। dxdy कितना आया 196। सिग्मा dx कितना आया 31। सिग्मा dy कितना आया 38 रूट। अब n5 सिग्मा dx स्क्वायर कितना है 215। dx का होल स्क्वायर मतलब 31 का होल स्क्वायर, यहां पर 5 मल्टीप्लाई बाय dy स्क्वायर मतलब 388 और dy का होल स्क्वायर मतलब 38 का होल स्क्वायर। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 196 माइनस 31 × 38 1178 215 × 5 1075 और 31 का स्क्वायर 961। फिर ये आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 388 1940 माइनस 38 का होल स्क्वायर 1444। चलो सॉल्व करें 1178 माइनस 980 कितना माइनस 198 रूट 1075 माइनस 961 114 और ये आपका 1940 माइनस 1444 496। 114 रूट किया 10.68 इंटू 496 का रूट किया 22.27 माइनस 198 10.68 इंटू 22.27 237.84। अब इनको आपस में डिवाइड कर दो 198 डिवाइड बाय 237.84 क्या आ गया 0.832। तो ये है बेसिकली आपका एज्यूम मीन से कोरिलेशन जो आपने निकालना सीखा। ठीक है जी। नाउ